नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरुजी गौरव सिंह में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। यकीन मानिए, मुझे अपना ज्योतिष का ज्ञान, जो कुछ भी मैंने पिछले 3 सालों में सीखा है, वो आपके साथ साझा करना बहुत पसंद है। वो कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अपने तक सीमित रखने से घट जाता है, इसलिए मैं वीडियोज आपके लिए निरंतर लाता रहता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, मैं आपसे वादा करता हूँ इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मैं ज्योतिषाचार्य गौरव सिंह आप सभी के सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का विषय है, किन राशि वालों को कौन सा करियर विकल्प सबसे ज़्यादा फलदायी सिद्ध होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल 12 राशियां होती हैं तथा 9 ग्रह होते हैं तथा प्रत्येक ग्रह की एक अथवा दो राशियां होती हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियो में भी बताया था कि सूर्य तथा चंद्र की केवल एक एक राशि होती है तथा बाकी सारे ग्रहों की दो दो राशियां होती हैं। मैं आपको सभी ग्रहों की राशियां एक बार फिर से याद दिला देता हूं। सूर्य की राशि होती है सिंह, चंद्र की राशि होती है कर्क, मंगल की राशियां होती है मेष तथा वृश्चिक, बुध की राशियां होती है मिथुन तथा कन्या, बृहस्पति की राशियां होती हैं धनु तथा मीन, शुक्र की राशियां होती हैं वृषभ तथा तुला तथा शनि की राशियां होती हैं मकर तथा कुंभ। इस प्रकार 12 राशियां 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सिंह राशि से। चूंकि सिंह राशि सूर्य या यूं कहें कि हमारे सौर मंडल के सबसे प्रमुख ग्रह की है, इसलिए ये राशि भी सबसे प्रमुख राशि होती है। सिंह राशि वालों को ऐसा करियर चुनना चाहिए जिसमें नेतृत्व की प्रमुख रूप से आवश्यकता हो, जैसे कि कोच, ट्रेनर आदि, प्रशासनिक सेवाएं, राजनीति, प्रबंधन, कानून, प्रॉपर्टी तथा फैशन डिजाइनिंग सर्वश्रेष्ठ करियर विकल्प हैं। ये अपना बिजनेस करें तो वो भी बहुत फलदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। चूँकि कर्क राशि चंद्र ग्रह की है, इसलिए ये राशि भी प्रमुख होती है। कर्क राशि वाले काफ़ी भावुक स्वभाव के होते हैं तथा अच्छे टीम मेंबर साबित होते हैं। अपने आसपास खुशनुमा वातावरण बनाए रखना इन्हें अच्छे से आता है। इनके लिए शिक्षण, फोटोग्राफी, साइकोलॉजी, प्रशासनिक सेवाएं, एचआर, एनजीओ से संबंधित कार्य, स्वास्थ्य संबंधित तथा पर्यावरण संबंधित कार्य सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं। अब बात करते हैं मेष तथा वृश्चिक राशि वालों की। चूँकि दोनों ही राशियाँ मंगल ग्रह की हैं, इसलिए इनके करियर ऑप्शन भी लगभग एक जैसे ही होते हैं। मेष अथवा वृश्चिक राशि वाले काफ़ी उग्र स्वभाव के तथा बहादुर होते हैं। अपने आसपास उत्साह से भरा वातावरण बनाए रखना इन्हें अच्छे से आता है। इनके लिए सेना, पुलिस, राजनीति, अधिवक्ता, साइंटिस्ट, डिटेक्टिव, डॉक्टर अथवा सर्जन, खेलकूद तथा एडवर्टाइजिंग सर्वश्रेष्ठ करियर विकल्प हैं। आइए बात करते हैं मिथुन तथा कन्या राशि वालों की। चूँकि दोनों ही राशियाँ बुध ग्रह की हैं, इसलिए इनके करियर ऑप्शन भी लगभग एक जैसे ही हैं। मिथुन अथवा कन्या राशि वाले हमेशा व्यस्त रहना पसंद करते हैं। यदि उन्हें खाली बैठा दिया जाए तो ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। ये लोग अपनी मृदु वाणी तथा सूझबूझ भरी बातों से दूसरों को शीघ्र प्रभावित कर लेते हैं, इसलिए इनके लिए पत्रकारिता, लेखन, संपादन, साहित्य, शोध, मनोरंजन अथवा यात्रा से जुड़े कार्य, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ज्योतिष अथवा मनोवैज्ञानिक कार्य सर्वश्रेष्ठ करियर विकल्प हैं। ये अपना बिजनेस करें तो वो भी बहुत फलदायक सिद्ध होता है। अब बात करते हैं वृषभ तथा तुला राशि वालों की। चूंकि दोनों ही राशियां शुक्र ग्रह की हैं, इसलिए इनके करियर ऑप्शन भी लगभग एक जैसे ही हैं। वृषभ अथवा तुला राशि वाले हस्तकला में निपुण होने के साथ साथ काफ़ी रचनात्मक भी होते हैं तथा हर बात को नाप तोल कर ही बोलते हैं। इनका स्वभाव शांत तथा शालीन होता है, इसलिए इनके लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रशासनिक सेवाएँ, मार्केटिंग, लेखन, कुक, आर्टिस्ट, खेतीबाड़ी, ज्वेलरी तथा सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित कार्य, मीडिया तथा सिनेमा से संबंधित कार्य सर्वश्रेष्ठ करियर विकल्प हैं। ये अपना बिजनेस करें तो वो भी बहुत फलदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं धनु तथा मीन राशि वालों की। चूंकि दोनों ही राशियां बृहस्पति ग्रह की हैं, इसलिए इनके करियर ऑप्शन भी लगभग एक जैसे ही हैं। धनु अथवा मीन राशि वाले ऊर्जा के भंडार होते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण वाले होते हैं। इन्हें कलात्मक कार्य पसंद हैं। इनकी निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी प्रबल होती है, इसलिए इनके लिए शिक्षण, लेखन,
संपादन, कलात्मक कार्य, आध्यात्मिक गुरु, ऐसे कार्य जहां अलग अलग जगह घूमने की आवश्यकता हो, शोध, फाइनेंस तथा ज्योतिषी सर्वश्रेष्ठ करियर विकल्प हैं। अब बात करते हैं मकर तथा कुंभ राशि वालों की। चूंकि दोनों ही राशियां शनि ग्रह की हैं, इसलिए इनके करियर ऑप्शन भी लगभग एक जैसे ही हैं। मकर अथवा कुंभ राशि वाले महत्वाकांक्षी तथा दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं, इसलिए इन्हें अपने जीवन में करियर तथा सफलता की भूख होती है। इनके लिए तकनीकी कार्य, आईटी इंडस्ट्री, मशीनरी, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, बैंकिंग, राजनीति, ज्योतिषी तथा केमिकल संबंधित कार्य सर्वश्रेष्ठ करियर विकल्प हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। इस वीडियो के बारे में आप कोई भी फीडबैक देना चाहें तो बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपके मन में कोई भी सवाल आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अवश्य रिप्लाई करूँगा। मेरे ज्योतिष के ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखने के लिए एस्ट्रो गुरुजी गौरव सिंह चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि वीडियो से किसी को भी लाभ हो सकता है तो उसके साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए। मेरे वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार तथा जय हिंद।